वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैंने आपको जो स्किन रिटचिंग के जो तरीके बताने, उसके लिए हम जो टूल्स यूज़ करेंगे वो हैं हीलिंग ब्रश, और उसके अलावा हम क्लॉन्स स्टैम्प टूल यूज़ करेंगे। मे बी हम पैच टूल भी इस्तेमाल करें और स्पॉट हीलिंग टूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इन सारे टूल्स में डिफरेंस क्या है और ये किस तरह से काम करते हैं। जो हीलिंग और आपका स्पॉट हीलिंग ब्रश है, इन दोनों में ये फ़र्क है कि स्पॉट हीलिंग में आप उस ब्रश को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, ये आपका स्पॉट हीलिंग है। स्पॉट हीलिंग ब्रश को आप सिलेक्ट करेंगे और आप जो भी आपको ब्लेमिशेस वगैरह या पिंपल्स वगैरह नज़र आते जा रहे हैं, आप उन पर ब्रश करेंगे। ऑटोमेटिकली ये सैंपल करेगा एक और एरिया से जो कि इसको सिमिलर लग रहा होगा, और उसको रिप्लेस कर देगा उस जगह पर जहाँ पर ब्लेमिश है स्पॉट। उसके अलावा जो हीलिंग ब्रश है, इसमें क्या होता है कि आप खुद उसको एक एरिया बताएंगे ऑल्ट को प्रेस करके कि ये मेरा एरिया है, यहाँ से आपने सैंपल करना है और इसको रिप्लेस कर देना है जो कि पिंपल वाला एरिया है। और होता यह है कि आप कोशिश करते हैं कि जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं या जिस पिंपल पे आप काम कर रहे हैं उसके बिल्कुल करीब से ही सैंपल करें, क्योंकि वहाँ पर आपकी स्किन टोन ऑलमोस्ट एक जैसी ही होगी मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो ये एक चीज़ है। फिर पैच हीलिंग टूल वहाँ पे यूज़ होता है, पैच टूल सॉरी, जहाँ पर आपने बड़े पैचेस पे काम करना। तो मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ पर हम पैच टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ये क्लॉन स्टैम्प टूल है। क्लॉन स्टैम्प टूल कैसे इस्तेमाल होता है, ये आपकी एग्जैक्ट क्लोन बना देगा। एक एरिया से आप सैंपल करेंगे, दूसरे एरिया जहाँ पर आप ब्रश कर रहे होंगे उसी जहाँ से आपने सैंपल किया था उस एरिया को ये रेप्लिकेट कर देगा जहाँ पर आप ब्रश कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप अपने फ्लो और ओपेसिटी को चेंज कर सकते हैं, और मोस्टली जब आप स्किन पे काम कर रहे होते हैं तो आप अपना फ्लो कम करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि हमने एग्जैक्टली क्या करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं जिस टूल से काम करना चाहता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाए, वो है स्पॉट हीलिंग ब्रश। अच्छा, मैं अब अपने ब्रश का साइज़ उतना ही करूँगा जितने मेरे ब्लेमिशेस का साइज़ है। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर इस को रिमूव करना है, ये जो मुझे एक पैच सा नज़र आ रहा है, तो मैं एग्जैक्टली इसके करीब का ही साइज़ रखूँगा। थोड़ा सा इसको फर्दर ब्रश को बड़ा कर दें ताकि आप प्रॉपरली इस पे काम कर सकें, क्योंकि और एक चीज़ का और का ख्याल रखना है, यहाँ से कंटेंट अवेयर, यहाँ से सैंपल ऑल लेयर्स, इन सब को सेलेक्ट करना है। ब्रश की हार्डनेस 0% होगी, और ये आपका बेसिक एक फ्लो है इस सारे काम का। तो आप जितना, क्योंकि मैं पेन इनपुट यूज़ कर रहा हूँ वैकम टैबलेट के साथ, तो मैं इसको जितना हल्का प्रेस करूँगा ये उतना ही सेटल होंगे चेंजेस और इजी टू डू होंगे। और जितना मैं ज़ोर से प्रेस करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पैच सा मुझे नज़र आ रहा था, तो इस पर मैंने जो प्रेस किया थोड़ा ज़ोर से किया, जिसकी वजह से ओवरऑल उसने एरिया को कवर कर लिया। तो ये अब आपका स्पॉट हीलिंग टूल है। क्विक वे, आपको इस चीज़ की फिक्र नहीं होती कि आपने एग्जैक्टली कहाँ से सैंपल करना था, आप बस चेंजेस करते जाते हैं और फोटोशॉप खुद से वो एरियाज ही सेलेक्ट करता है जो ये समझता है कि जिस एरिया को रिप्लेस करना है उसी जैसे हैं एग्जैक्टली। ये अब आप देख रहे होंगे। मैं किस तरह से इन सारी चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। तो दूसरा टूल जो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं आपको थोड़ा एक डेमो सा दे देता हूँ कि जो आपका हीलिंग टूल है, हीलिंग टूल कैसे काम करेगा। कि मैंने ऑल्ट प्रेस करना है कीबोर्ड पे, और जहाँ पे मैंने जिस ब्लेमिश पे काम करना है मैंने उसके बिल्कुल करीब आके क्लिक किया,
तो इसने उस एरिया को सैंपल कर लिया। अब मैं जब इस एरिया पे ब्रश कर रहा हूँ तो ये सैंपल्स उठा रहा है वहां से ही। आप एक काम और कर सकते हैं, मैं तो अभी इसी लेयर पे काम कर रहा हूँ विच इज़ नॉट एडवाइजेबल। आप जो भी नया काम करें, एक नई लेयर बनाएं, सैंपल ऑल लेयर्स करें और फिर उस पे इस तरह से काम करें। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ब्रश को बड़ा करना पड़ेगा, और अगर मैं यहाँ पे सैंपल करता हूँ बिल्कुल एज पे, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने ब्रश को थोड़ा सा बड़ा किया अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट। अब जो है वो स्किन काफ़ी टोन उसकी एक जैसी होती जा रही है जहाँ पे भी मैं चेंजेस कर रहा हूँ। लेकिन ब्रश को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कीजिएगा बिकॉज आपकी काफ़ी पैची सी हो जाती है जो आपकी रीटचिंग जॉब होती है। तो बेहतर यही है कि आप ब्रश को उतना ही यूज़ करें जितना के हमारा पिंपल या जो भी आपकी ब्लेमिशेस वगैरह है उनका साइज है। तो मैं यहाँ पे हार्डनेस मैंने 0 ही रखी हुई है। अच्छा यहाँ पर अब एक एरिया आ रहा है, इसको फर्दर ब्रश को बड़ा कर देते हैं ताकि इस एरिया को हम प्रॉपरली कवर कर सकें। सैंपल इधर ऊपर से कर लेता है, सॉरी सैंपल यहाँ ऊपर से कर ले। ओके यहाँ पर ब्रश करने की कोशिश करें। तो लेट्स सी, तो ये मैंने यहाँ से काफ़ी सारा रिमूव कर लिया एरिया। फिर इसके बाद हम ये यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं नीचे से, यहाँ से सैंपल करके। अच्छा इन एरियाज़ में आपको फ्रीक्वेंसी सेपरेशन और डॉजिंग एंड बर्निंग भी काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। तो मोस्टली मैं उन टेक्निक्स को ही इस्तेमाल करता हूँ इन एरियाज़ में। लेकिन क्योंकि अभी इसका मकसद, ये जो हम काम कर रहे हैं इसका मकसद है कि मैं आपको ये टूल्स इस्तेमाल करना सिखा दूँ, तो मेरे ये जो डॉजिंग एंड बर्निंग और फ्रिक्वेंसी सेपरेशन के जो लेक्चर्स हैं वो बिल्कुल इनिशियल लेक्चर्स हैं। आप उनको भी रेफर कर सकते हैं कि उनको कैसे इस्तेमाल करके हम यहाँ पे रीटचिंग कर सकते हैं। तो ये अब आप देख रहे होंगे कि काफ़ी अजीब सा पैच हो गया है, लेकिन आप कुछ और एरिया से सैंपल करके यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो ये एरिया भी मैंने काफ़ी बेहतर कर लिया। जूम थोड़ा सा ब्रश साइज दोबारा छोटा कर लें और यहाँ से सैंपल करें और फिर यहाँ भी ब्रश कर लें। तो ये बड़ा आसान तरीका है जो आपकी मे बी इनिशियली जब आपने रीटचिंग स्टार्ट करनी होती है तो ये बड़ा हेल्पफुल एक मेथड है। और यहाँ इस केस में हमें डॉजिंग एंड बर्निंग की भी ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट पड़ेगी क्योंकि आपकी ये जो एरियाज़ हैं ये काफ़ी विजिबल हैं, और जब तक आप इनको प्रॉपरली ब्लेंड नहीं करेंगे ओवरऑल इमेज को तो तब तक इसमें वो एक पॉप भी नहीं आएगा और ये बहुत ज़्यादा कुछ अट्रैक्टिव भी नहीं लगेगी। लेकिन सिंस मेरा अभी जो मकसद है वो ये टूल्स बताना है आपको,
पहले हम इन्हीं टूल्स के साथ कंटिन्यू करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि स्किन, फिर आप मेरे जो पहले लेक्चर्स गुजर चुके हैं उनकी तरफ रेफर कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैंने आपको ये बताना है कि हमारा जो क्लोन स्टैम्प टूल है वो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, एजेस पे मोस्टली मैं क्लोन स्टैम्प टूल ही इस्तेमाल करूँगा बिकॉज वहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपने एक चीज़ को रेप्लीकेट करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अच्छा, और उसके अलावा क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर जूम इन करूँ इसमें, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये अब आपको हेयर नज़र आ रहे हैं, कुछ हेयर आपको इस तरफ नज़र आ रहे हैं, तो इनको आप रिमूव कर सकते हैं। या फिर जो भी फॉर एग्जांपल ये कुछ एजेस हैं, अगर सपोज यहाँ पर कोई ब्लेमिशेस होते हैं तो उनको रिमूव करने के लिए आप क्लोन स्टैम्प टूल ही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, क्लोन स्टैम्प टूल में एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि बड़ी ज़रूरी चीज़ है, विंडो में जाएं और ये क्लोन सोर्स जो है इसको ऑन कर लें। इससे क्या होता है कि आप बाज़ दफ़ा एग्जैक्टली एजेस मैच नहीं कर रहे होते, तो कुछ आपने रोटेट करना हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप यहाँ से रोटेशन दे सकते हैं, नेगेटिव भी दे सकते हैं, पॉजिटिव भी दे सकते हैं। तो ये बड़ा एक बेहतरीन तरीका है, ऑल दो यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा था कि ना ये भी एक तरीका है कि जिसको आप अब यहाँ पर इस एरिया में देखें तो आपकी ये हीलिंग जो टूल है इसने बहुत अच्छा काम नहीं किया और काफ़ी अजीब सी ब्लैमिशेस बना दी हैं। तो आप इसी टूल पे, हीलिंग टूल पे वापस जाएं और यहाँ से सैंपल करें बिल्कुल करीब से इसके, थोड़ा सा साइज बड़ा कर लें ब्रश को। तो ये इसी तरह आप अगर इस एरिया में आए तो हम वापस चले जाते हैं क्लोन स्टैम्प टूल पे, बिकॉज मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये टूल कैसे इस्तेमाल होगा। अच्छा, अब इस एरिया में देखें जब आप चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो काफ़ी अजीब सा एक इफ़ेक्ट आ रहा है, तो आप को जब भी इस तरह से इफ़ेक्ट मिल रहा है तो आप हीलिंग टूल पे वापस जा सकते हैं और फिर उस पे काम कर सकते हैं। बट एजेस पे मोस्टली कोशिश करेंगे कि अगर आप सैंपल करते भी हैं एजेस पे हीलिंग टूल से, तो उस एज को एग्जैक्टली जिस तरह आप क्लोन स्टैम्प टूल में कर रहे थे उसी तरह आप हीलिंग टूल में भी रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कंट्रोल ज़ीरो प्रेस करते हैं तो ये है हमारा ओवरऑल अभी जो हमने चेंजेस किए हैं। इस पर फर्दर भी चेंजेस किए जा सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये समझाने का के बारे में ये लेक्चर था कि आप इन टूल्स को किस तरह से इस्तेमाल करके स्किन रिटचिंग कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम एक काम करते हैं, हिस्ट्री में जाते हैं और थोड़ा सा आप बेशक जूम इन कर लें इस इमेज पे और मैं आपको दिखा देता हूँ कि इनिशियली हमारी पिक्चर कैसी थी, इस तरह की, और अभी ये जो हमने चेंजेस की तो उसके बाद हमारी पिक्चर इस तरह होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और आप इस मेथड को ख़ुद भी यूज़ करें। अगर कुछ इश्यूज़ आते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि क्या आपको चैलेंजेस हैं, फिर मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब, हिट लाइक एंड शेयर माई चैनल।